ग्यारहवां प्रश्न है, मॉड्यूलस एक माइनस आइटा की घात एक्स बराबर है दो की घात एक्स के शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मॉड्यूलस से हम क्या समझते हैं कि यदि मॉड्यूलस एक्स प्लस आइटा वाई हमें मिला हो तो इसका मान होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहां हमें क्या मिला है, एक माइनस आइटा का मॉड्यूलस, तो ये मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक का स्क्वायर प्लस माइनस एक का स्क्वायर, घात कितनी है एक्स है, ये किसके बराबर हो गया, दो की घात एक्स के बराबर हो गया। ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया, दिस इंप्लाइज अंडर रूट दो की घात एक्स बराबर हो गया दो की घात एक्स के, अर्थात ये हो गया दो, अंडर रूट दो से अभिप्राय होता है दो की घात एक बटा दो, ये हो गया दो की घात एक्स बटा दो बराबर है दो की घात एक्स, आधार दोनों तरफ दो है अर्थात एक्स बाई टू एक्स के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज घातों को बराबर कर दिया, एक्स अपॉन टू बराबर हो गया एक्स के, अर्थात एक्स अपॉन टू जीरो के बराबर है जो हमें देता है एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो है अर्थात यहां जीरो हमारे को प्राप्त हो रहा है, ये दोनों तब बराबर होंगे जबकि घात जीरो के बराबर होगी, तो यहां शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या कितनी है, जीरो है, अतः शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या बराबर जीरो होगी। प्रश्न है, यदि z1 z2 belongs to C है अर्थात z1 और z2 सम्मिश्र संख्याएं हैं तो सिद्ध कीजिएगी। तीन प्रश्न यहां हमें मिले हैं, z1 z2 सम्मिश्र संख्याएं हैं, हम जानते हैं कि z1 minus z2 modulus square ये बराबर होता है modulus z1 का square plus modulus z2 square minus 2 times modulus z1 इंटू मॉडुलस जेड टू इंटू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू के, ये हम जानते हैं। अब कॉस का जो मान होता है वो सदैव माइनस एक और एक के बीच में होता है, तो इसलिए कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू ये मान एक और माइनस एक के बीच में होगा, अर्थात कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू ये मान सदैव बड़ा होगा या बराबर होगा माइनस एक के। अब मैं इसको लाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस दो जेड वन इंटू जेड मॉडुलस जेड वन इंटू मॉडुलस जेड टू से गुणा कर देता हूं, तो माइनस दो, दिस इंप्लाइज माइनस दो मॉडुलस जेड वन इंटू मॉडुलस जेड टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो चिन्ह बदलेगा, ये मान किसके हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू माइनस, अब यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, टू टाइम्स मॉडुलस जेड वन इंटू मॉडुलस जेड टू, ऐसा हो जाएगा, अर्थात दिस इंप्लाइज यदि मैं मॉडुलस जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड टू का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ दूं तो मॉडुलस जेड वन स्क्वायर प्लस मॉडुलस z2 स्क्वायर माइनस टू टाइम्स मॉडुलस z1 इंटू मॉडुलस z2 कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, ये लेस देन और इक्वल टू होगा मॉडुलस z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस z2 स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉडुलस z1 इंटू मॉडुलस z2 के, ऐसा होगा, तो दिस इंप्लाइज मान रख दिया मॉडुलस z1 माइनस z2 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का रूप, अर्थात ये मान हो गया मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया, दोनों पक्षों में मैंने वर्गमूल ले लिया, तो दिस इंप्लाइज कि z1 माइनस z2
लेस देन और इक्वल टू होगा मॉडुलस जेड वन प्लस मॉडुलस जेड टू, और यही हमें यहां सिद्ध करना है इति सिद्धम। अब हम इसको मिटाते हैं और दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू ग्रेटर देन और इक्वल टू है मॉडुलस जेड वन माइनस मॉडुलस जेड टू के। तो जेड वन प्लस जेड टू मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मॉडुलस जेड वन स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉडुलस जेड वन इंटू मॉडुलस जेड टू इंटू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू के। अब कॉस का मान सदैव एक और माइनस एक के बीच में होता है, तो कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू ये लेस देन इक्वल टू एक होगा और ये मान माइनस एक और एक के बीच में है, अर्थात कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू ये मान ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक होगा। अब मैं टू टाइम्स जेड वन जेड टू से दोनों पक्षों में गुणा कर दूं, तो टू टाइम्स मॉडुलस जेड वन इंटू मॉडुलस जेड टू इंटू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया माइनस का टू टाइम्स मॉडुलस जेड वन इंटू जेड टू, ऐसा आ गया। दोनों पक्षों में मैं मॉडुलस जेड वन स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड टू स्क्वायर जोड़ दूं, तो दिस इंप्लाइज मॉडुलस जेड वन स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड टू का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉडुलस जेड वन इंटू जेड टू इंटू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड वन का मॉडुलस स्क्वायर प्लस जेड टू का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स मॉडुलस जेड वन इंटू मॉडुलस जेड टू। ये हमारा किसके बराबर है? ये मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर है, तो इसलिए मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इस रूप में है, अर्थात मैं इसको कैसे लिख सकता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मॉडुलस जेड वन माइनस मॉडुलस जेड टू का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिया, तो इसलिए z1 वन प्लस जेड टू ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा मॉडुलस z1 वन माइनस मॉडुलस z2, और यही हमें सिद्ध करना है इति सिद्धम। अब जो ये तीसरा है इसको आप स्वयं हल करेंगे, तो तीसरे प्रश्न को ये प्रश्न आप स्वयं हल करें। प्रश्न है यदि मॉडुलस z1 बराबर है 1 बराबर मॉडुलस z2, तो सिद्ध कीजिए कि मॉडुलस z1 प्लस z2 बराबर है मॉडुलस 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 के। हम राइट हैंड साइड लेते हैं RHS, RHS बराबर है मॉडुलस 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 के। सरल किया इसका तो मॉडुलस Z1 into Z2 ये हमारा LCM हो गया, यहां हमने प्राप्त किया Z1 plus Z2 ऐसा हमें मिलता है। अब हम जानते हैं कि यदि modulus Z1 upon Z2 ऐसा हमें मिले तो इसका मान होता है modulus Z1 upon modulus Z2 पे। तो इस नियम से हम क्या लिख सकते हैं इसको modulus Z1 plus Z2 upon मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू ऐसा लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि मॉडुलस जेड वन इंटू जेड टू ये बराबर होता है मॉडुलस जेड वन इंटू मॉडुलस जेड टू के, तो मान कितना हो गया मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू ये तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया अपॉन
मॉडुलस जेड वन इंटू मॉडुलस जेड टू, ऐसा प्राप्त किया। दोनों मान हमें एक के बराबर दे रखे हैं, मॉडुलस जेड वन ये भी एक है और मॉडुलस जेड टू ये भी एक के बराबर है। मान कितना हो गया, मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू अपॉन एक इंटू एक अर्थात एक, तो ये मान हो गया मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू के, और यही हमारा एलएचएस है। इतनी सिंपल।